हाय डियर्स, वेलकम टू अनु किचन वेज रेसिपी। आज हम आप लोग के साथ इंस्टेंट पनीर रोल रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल आप 2 मिनट में इसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेटेड पनीर लेंगे, कद्दूकस किया हुआ पनीर, जितना आप ले सकते हो उतना आप लीजिए। थोड़ा सा चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे और बारीक चॉप किया हुआ हम हरी मिर्च लेंगे और एक चॉप किया हुआ हम प्याज लेंगे। प्याज हमारा बारीक चॉप होना चाहिए। अगर आपके पास टोमेटो है तो टोमेटो ले सकते हैं, आप नहीं खाना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अदरक लेंगे ग्रेट करके। अदरक को ग्रेट करके डालने से मुंह में स्वाद अदरक का नहीं आता, बट टेस्ट इसका बहुत लाजवाब आएगा। थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर लेंगे, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट हमें नहीं लेना है। थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सॉल्ट, बस इतना ही हमें लेना है। थोड़ा सा हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे, वेज मेयोनीज़। अगर आपके पास मलाई है तो आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। मेयोनीज़ की जगह आप मलाई यूज कर सकते हैं, घर की मलाई। बिल्कुल जड़ा सा टोमेटो सॉस, इसमें थोड़ा सा हम मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप थोड़ा सा जीरा यूज कर सकते हैं, मिक्सअप की जगह आप जीरा ले सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ब्रेड लेंगे, आप चाहे तो ब्रेड का भी बना सकते हैं, नॉर्मल आप रोटी से भी बना सकते हैं। ब्रेड के ऊपर हम स्टफ़ करेंगे, आप चाहें तो इसमें तीखी चटनी या मीठी चटनी लगा के फिर इसके ऊपर स्टफ़ कर सकते हैं, बट मुझे सिंपल ही पसंद है, जितना सादा हो उतना ही अच्छा होता है। आज हम ग्रिल सैंडविच मेकर में टोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर इसे ऑन कर लेंगे, और जब ये हिट हो जाए तो हम इसमें रखेंगे। ऊपर से हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इसके साथ हम एक और रख के और इसे लॉक कर लेंगे। अब इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तब तक हम ब्रेड का रोल तैयार करते हैं एक और कुछ नए तरीके से। तो सबसे पहले ब्रेड के चारों किनारों को हम निकाल लेंगे, ये करने में बहुत कम टाइम लगता है, और उन्हें हम साइड कर लेंगे। अब बेलन की सहायता से हम अच्छे से इन्हें रोल करते हुए बेल लेंगे। देखिए मेरा ब्रेड ऐसा टूट गया, अगर ऐसा टूट जाए तो भी ऐसा चल सकता है काम। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगा देंगे और उसके ऊपर हम स्टफिंग करेंगे। अब इसे रोल करेंगे, आप चाहे तो साइड्स में पानी भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक रोटी से करके दिखाऊंगी, आप चाहे तो रोटी में भी बना सकते हैं। आपके पास अगर पूड़ियाँ बची हैं तो उनसे भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाली हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकालेंगे। अच्छा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ही निकालें, आप तवे पे भी बहुत अच्छे से गोल्डन क्रिस्प कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक रोटी बची हुई थी तो मैंने रोटी पे चिली सॉस लगाया है, आप चाहे तो ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे और ये इंस्टेंट हमारा पनीर रोल बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप तवे पे भी अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। मैं इस ग्रिल सैंडविच मेकर में भी दिखा रही हूँ आपको, इस पे भी आप बहुत ही इजीली कम टाइम में बना सकते हैं, मुश्किल से 1 मिनट लगता है। और अच्छे से लॉक कर लेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं। तब तक हम इससे कट कर लेते हैं और गर्मा गर्म आप खाएंगे तो यकीनन ही बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। ये देखिए हमारा ये पनीर रोल भी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है
तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मेरी चैनल का नाम है अन्नू किचन वेज रेसिपी। वाओ सो नाइस, आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई करें। इंस्टेंट पनीर रोल बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। देखिए मैंने इसे तवे पे दोनों साइड से अच्छे से भुना है, कितना क्रिस्प लग रहा है देखिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप भी ऐसी ही रेसिपी बनाएं। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, मेरे चैनल पर आ करके आप वीडियोस को देखें और उनसे बहुत सारी नई रेसिपी सीख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।